यहाँ देखिए बाबू क्वेश्चन है 11x² - 8 = 8 - 14x² हल करें, ठीक है। देखिए हल करने का मतलब यही है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको सॉल्व करके हमको x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये वाला देखिए 14x² तो इधर है ना, तो इसको x वाले को सबको एक साइड कर लेते हैं। तो चलिए कर लीजिए, तो यहाँ पर 11x² इधर में है और -8 इधर में है, तो जब ये वाला इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में इधर में, तो इधर आएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ लिखे -8, और ये जो माइनस है ना तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ लिखे +14x², और जब दोनों ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, इधर में 0 बचेगा, तो ये 0। अब क्या करते हैं, देखिए 11x² है और यहाँ पर 14x², तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि x² वाला में जुटता है, तो यहाँ पर अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 1 5, तो यहाँ पर हुआ 5 और 1 और 1 2, x² यानी 25x² हो गया। अब माइनस 8 और 8 जो बाबू जोड़ देंगे, ध्यान समझना, 8 और 8 जोड़ेंगे, माइनस का चिन्ह हटाएंगे, तो 8 8 16 और -16 = 0। अब क्या करेंगे, इस 16 को बराबर के इस साइड भेजेंगे, तो यहाँ पर होगा 25x² = ये हुआ आपका 16। और यहाँ देखिए 25 यहाँ पर शॉर्ट के, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट के जब रहता है तो समझते हैं बाबू गुणा में है, ठीक है। तो गुणा में रहता है, देखा जाता है तो क्या होता है, भाग होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे x² = 16/25। अब देखिए x² है ना, तो x² है, इसका मतलब इस x का मान निकालना, तो स्क्वायर को किधर भेजना होगा, इधर भेजना होगा, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x = ±√16/25, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे बाबू, 16 का वर्गमूल निकालेंगे और 25 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल आपका होता है ±16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यानी x का 2 मान निकला है, कितना, एक लिखेंगे प्लस 4/5 और एक -4/5, यही हुआ 2 आंसर, ठीक है। तो धन्यवाद, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।